हे गाइस, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कल मैंने लगाया था ऑयल और आज हम सब फाइनली नहा लिए। आज है सैटरडे। जॉयल के डैडी भी, मैं भी और जॉयल भी। सो गाइस, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि फीवर के बाद कम से कम 5-6 दिन के बाद हम नहाए हैं। हस्बैंड को फीवर हुआ, इनको फीवर हुआ, तो अभी मैं इनकी देखरेख कर ही रही थी और फिर मेरे को भी हो गया। और बस फिर क्या था, नहाने की तो सोच ही नहीं सकते। फिर गाइस, थोड़ी देर में ही कॉल आया भैया का, वॉशिंग मशीन चेक करने वाले भैया का, क्योंकि कल जब मैं कपड़े धो रही थी बहुत दिक्कत हो रही थी, सारा पानी सर्फ का निकले जा रहा था। तो मैंने कल ही कॉल कर दिया था और आज भैया शाम के 5 बजे तक आ गए थे। भैया ने सारी चीज़ें चेक करी, जो जो प्रॉब्लम थी मैंने सारी बताई और भैया ने सारा काम देखा, सही से वॉशिंग मशीन को चेक करा और उसके अंदर से निकलने शुरू हुए पैसे। गाइस, हमारी वॉशिंग मशीन में से पैसे निकलने लगे और मैं हंस रही थी। मैं कहने लगी क्या, एक के बाद। और जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना गाइस, मैं सारे पॉकेट्स चेक करती हूँ, लेकिन तब तो कुछ भी नहीं निकलता और बाद में कॉइन ये कहाँ से आ जाते हैं, मुझे हैरानी होती है। तो जोल के डैडी मुझे देखकर देखने लगे, कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है, भाई होते हैं तभी तो पैसे उसके अंदर से निकल रहे हैं। पर मैं क्या, जब मैं चेक करती हूँ तब नहीं निकलते, वो पता नहीं कहीं इधर उधर किस कैसे। मैं अब क्या बोलूँ मैं बोलने लायक हुई ही नहीं क्योंकि कपड़े तो मैं ही धोती हूँ, तो गलती तो भाई मेरी ही मानी जाएगी। तो ये है कि पैसे उसके अंदर से निकले, कम से कम 3 सिक्के निकले हैं, 10-10 के, 1 5 का सिक्का, 1 2 का और 1 1 का, इस तरीके से कोई से निकले। तो वो भैया निकाले जा रहे थे, कह रहे बस इसी की वजह से जो भी दिक्कत हो रही है ना, इन सिक्कों की वजह से हो रही है, क्योंकि पानी सही से उसको एयर नहीं मिल रहा था, वो ऊपर की तरफ आ रहा था और साइड से भी निकल रहा था और पानी इस तरीके से क्या उसके अंदर रुक भी नहीं रहा था, क्योंकि पानी निकलने वाला जो रास्ता है वहाँ पर सब ये कॉइन इकट्ठे हो गए थे। तो सारे पैसे भैया ने निकाल दिए और भी जो दिक्कत थी वो भी मैंने बताई। बड़ी तसल्ली से भैया ने सारी चीज़ें चेक करी और इस तरीके से क्या है, आज वॉशिंग मशीन भी सारी चेक हो गई है और बाकी पानी वगैरह डालकर टब के अंदर देखा, स्पिन के अंदर भी डाल के देखा, कपड़े भी डाले हमने, जिस तरीके से कपड़े धोते हो उसी तरीके से सारा प्रोसेस किया भैया ने और चेक की। उसके लिए मैंने रस्सी बांध ली और ये इन्होंने रस्सी बांध दी जैसे ही मैंने कहा ये बोला ना, मैंने रस्सी बांध ली, इन्होंने एकदम मुझे सीरियल की तरह देखा घूर के, तो मैंने तुरंत बोला इन्होंने रस्सी बांध दी और कपड़े सुखा दिए हमने, बाहर तक कपड़े सूखे हुए। ये देखो और जॉयल जा रहा अभी डैडी के साथ बोतल लेने के लिए, क्लास में रह गई बोतल, जा रहे हो फिर आप लोग? तो गाइस वो चले गए जॉयल की बोतल लेने के लिए। दूसरी बात, बस अभी थोड़ा सा खाने में मन नहीं लग रहा, जो भी खा रहे हैं ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, जीभ जो है बिल्कुल ड्राई हो गई है और खाने में कुछ टेस्ट नहीं आ रहा। खाने में मैंने दोपहर में बनाए दाल चावल सैलड वगैरह बना के रख दिया, हम दोनों ने खाया नहीं, सुबह बस रस और वही खाए थे, रस और चाय पीती, बस उसके बाद मन ही नहीं कर रहा कि हम खाएँ। तो गाइस दोपहर का खाना हमने शाम को खाया, मन ही नहीं कर रहा था, और उसके साथ अचार भी है थोड़ा सा। तो गाइस हम कहीं से लेकर आए थे लोई की टहनिया, तो उसमें से मैंने गंदा मतलब जो बेकार था वो तो मैंने निकाल दिया ये, और जो साफ था उसको मैंने काट कर और थोड़ी देर के लिए इनको पानी के अंदर धो के डिप करके रख दिया, और फिर इसके बाद मैं इनका बनाऊंगी काढ़ा। तो ये तो मैं फेंक देती हूँ सारा, इसको हटा दो और ये वाला मैं यहाँ पर करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।